12 साल बाद होने वाले महाकुंभ का इंतजार दुनिया भर के सनातनियों को बेसब्री से है। तो कुंभ के आयोजन को लेकर यूपी की योगी सरकार भी तैयार है। संगम तट पर सनातनियों की सुरक्षा की कमान योगी के जटायु संभालेंगे। और मेले क्षेत्र की चप्पी चप्पी पर आसमान में उड़ते ये जटायु निगरानी करेंगे। कुंभ की रखवाली में लगे कैमरे इतनी उच्च क्षमता के होंगे कि संगम तट, विभिन्न घाट व प्रमुख मार्गों पर होने वाली एक एक गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। यानी परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आधे से ज्यादा कैमरे इसमें AI से लैस होंगे, जिनके अंदर ये क्षमता होगी कि भीड़ का कितनी उनकी संख्या है, क्या ट्रेंड है, किधर मूव कर रहे हैं, कहां हम उनको भेज सकते हैं, इस सब का आकलन करके हमको अलर्ट दे सकते हैं। मेला क्षेत्र में 2700 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाने की तैयारी है, जिसमें आधे से ज्यादा AI युक्त कैमरे शामिल हैं। सुरक्षा रणनीति की बात करें तो पहली लेयर में मेला क्षेत्र में प्रवेश से पहले फिजिकल चेकिंग होगी। दूसरी लेयर में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तीसरी लेयर की सिक्योरिटी CCTV सर्विलांस के जरिए होगी, जबकि चौथी लेयर में इनर और आइसोलेशन घेरे में सुरक्षा जांच की तैयारी है। पांचवी लेयर में ATS, STF के कमांडोज और स्नाइपर्स मोर्चा संभालेंगे। यानी पहले तो मेले में एंट्री पर ही संदिग्ध रडार पर होंगे। अगर कोई अंदर घुस भी गया तो योगी के जटायु यानी आसमान में उड़ रहे ड्रोन कैमरों से वो बच नहीं पाएंगे। Z News.